स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिम्पल में। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रिलेटेड यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आया है, आपके फायदे का ही है। यदि आपने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, हमने पिछले कई वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर बिहार को सुधारना है तो इसको कौन सुधार सकता है, मुख्यमंत्री ही सुधार सकता है। अगर देश को सुधारना है तो इसको कौन सुधार सकता है, देश को प्रधानमंत्री सुधार सकता है। इसका पुख्ता सबूत मुझे आज मिल गया। कैसे, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अगर सरकार चाह जाए तो कैसे सुधार सकती है, सभी को जो है यहाँ पर कार्य करना होगा तब जा कर के बिहार जो है सुधर सकता है। लेकिन आज मैंने एक प्रूफ देखा जिससे मुझे मालूम चल गया कि अगर राज्य सरकार चाहे, अगर सिस्टम चाहे तो वो पूरे बिहार को सुधार सकती है एक ही बार में, एक ही समय में, ठीक है। लेकिन राज्य सरकार चाहती नहीं है। देखिए, 4 बजे का यहाँ पर टाइम दिया गया है कि 4 बजे आपका जो दुकानें खुली रहेंगी वो 4 बजे बंद हो जाएंगी। और मैं गया था कुछ सामान लाने, ठीक है, तो 4 बज गया और 4 जैसे ही बज गया उन्होंने शटर गिरा दिया। हम अंदर ही थे, सामान ले रहे थे, लेकिन फिर भी उनके मन में डर था कि जल्दी करिए, आप जल्दी जाइए, हमें अब घर निकलना है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन का और जो राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी किया गया है उसका लोगों में कितना डर है। और इसको पहले अगर हम देखें, पहले वाले लॉकडाउन में 2020 वाले में, तो लोग अंदर शटर गिरा करके अंदर बेचते थे। लेकिन जब हमारे प्रशासन को ये मालूम चला तो इस बार का जो नाइट कर्फ्यू लगा है इसमें अगर शटर गिरा करके लोग अंदर दुकान में बेचते हैं तो शटर उठवा करके उनके दुकान को सील कर दिया जाता है या उस दुकान को बंद कर दिया जाता है, उनका जुर्माना भी लग जाता है। तो देखिए, सिस्टम चाह रही है तो कैसे लोग सही तरीके से एकदम कार्य कर रहे हैं और सरकार का पूरी तरह से गाइडलाइंस को जो है फॉलो कर रहे हैं। तो यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे वो बिहार में करप्शन हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे दाखिल खारिज पर कर्मचारी पैसा लेता हो, चाहे आपका कोई काम नहीं होता हो, या फिर बैंक में आपकी कोई कर्मी नहीं सुनता हो, या आपका जो आप रिपोर्ट कराने जाते हो थाने में तो वहाँ पर आपको कोई नहीं सुनता हो, तो ये सब और सिर्फ कमी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार नहीं चाहती है। कोई भी अगर करप्शन हो रहा है ना बिहार में तो वो समझ लीजिए कि उसके पीछे राज्य सरकार का ही हाथ है, प्रशासन का ही हाथ है। क्योंकि राज्य सरकार अगर उस सिस्टम को टाइट किए हुए रहती, जिस तरह से कोरोना काल में यहाँ पर अभी टाइट किए हुए है, तो किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये तो मुझे समझ में आ गया। अब आपके तरफ क्या हाल है, क्या सिचुएशन है, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, हम बात कर रहे थे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो केंद्र की सरकार है वो 6,000 रुपये आपको देती है 3 टर्म में। आपको बता दें, यहाँ पर जितने भी न्यूज़ हैं, मीडिया हैं, वहाँ पर बताया जा रहा था कि 1 अप्रैल को आपको पैसा आ जाएगा, लेकिन पैसा 8वीं किस्त जो है वो नहीं आया। अब कब तक आएगा तो यहाँ पर आपको हम पढ़कर सुना दे रहे हैं। किसी भी मीडिया रिपोर्ट की आप माने तो कहा जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान, अगर आप भी किसान और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली 8वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपको बता दें, आपके लिए अच्छी खबर है। यहाँ पर बताया गया है कि 1 किस्त जल्दी आपके अकाउंट में आने वाला है। हालांकि इस किस्त को भेजने से पहले काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन खबर यह है कि किस्त इसी महीने जारी होगा, यानी जो महीना चल रहा है मई का, इसी महीने आपको जारी होगा। यहाँ पर यह भी बताया गया है कुछ मीडिया के द्वारा कि 10 मई तक आपका जो है किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो आपके खाते में भेज दिया जाएगा। आगे आपको बता दें, सरकार और सीमांत किसानों को साल में 6,000 रुपया देती है, उनके खाते में ट्रांसफर करती है। सरकार की ओर से किसानों को दी जाने वाली वित्तीय मदद 2,000 रुपये की 3 किस्तों में डाली जाती है। आगे बताया गया है कि अप्रैल को 8वीं किस्त की शुरुआत होनी थी, लेकिन अब तक यह किसानों के खाते में नहीं आई। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 8वीं किस्त किसानों के खाते में 10 मई तक भेजी जा सकती है। हालांकि अभी केंद्र सरकार की तरफ से इसका कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 8वीं किस्त किसी भी वक्त मई में जो है आपका आ सकता है, दूसरे सप्ताह या फिर तीसरे सप्ताह में, ठीक है। तो यहां पर आपने जान लिया। स्टेटस और स्थिति चेक करने के लिए गूगल के सर्च बार में टाइप करेंगे पीएम किसान, सबसे ऊपर भी आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही आप बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जाता है जो कि आपके सामने इस तरीके से दिखेगा। राइट साइड में फॉर्मर कॉर्नर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा बहुत सारे ऑप्शंस। आप बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। आप आधार नंबर या अकाउंट नंबर या फिर अपने मोबाइल नंबर से स्टेटस स्थिति को चेक कर सकते हैं।